डियर स्टूडेंट टूडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट प्राफेट मोहम्मद पी सा पान क्लास एट क्लास सिक्स उम्मीद है बच्चों के आप हरीत से होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यू टू क्लास सिक्स इंग्लिश से है प्राफेट मोहम्मद पी सा पान तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लासिक्स की इंग्लिश तो आप सबसे पहले अपनी बुक्स निकालिए पेज नंबर ट्वेंटी थ्री को हम रीड करेंगे ठीक है बच्चों तो आज का हमारा लेसन शुरू होता है इस कहानी के जो किरदार हैं वो पहले आप गौर से सुन लीजिए यानी कि ये बता रहा है लेट्स बी जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वट डू यू रीड इन यू आर स्पे टैम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेयर टाइम्स मीन्स क्या है स्पेयर टाइम्स मीन हम उसको कहेंगे कि जो हमारा हाली वक़्त होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा खाने खाने का वक़्त नमाज पढ़ने का वक़्त खेलने कूदने का वक़्त उसके बाद जो हमारे पास वक़्त बच जाता है स्पेयर टाइम जिसमें हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है तो हम कोई ऐसी कहानी या दिलचस्प चीज़ पढ़ते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है तो आज का जो हमारा है ये कह रहा है कि वट डू यू रीड वट डू यू रीड इन यूर स्पेयर टाइम आप अपने जो खाली वक़्त होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हो तो उसमें आप क्या करते हो चूज़ फ्राम दी लिस्ट आप देखिए लिस्ट बनाइए कंपेयर योर लिस्ट विद योअर पार्टनर्स पार्टनर्स मीन्स आपके फ्रेंड्स हैं आपके टीचर्स या कोई भी जिनके साथ आप उठते बैठते हों उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं टाक अबाउट वट एंड वाई यू रीड लाइक टू रीड वाइट यू हैव चूज और आप इनमें से कौन सी चीज़ चुनेंगे आप इनमें से कौन सी चीज़ चुनेंगे जो हमने नीचे लिस्ट दी हुई है फॉर एग्जाम्पल लाइफ अकाउंट ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन ऐसे इस दुनिया के अंदर जो मर्द औरत पैदा हुए हैं कोई ग्रेट्स कोई महान जिन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया हो कि जिसकी वजह से हम उन्हें बरसों याद रखते हैं डिटेक्टिव स्टोरीज ऐसी कहानियाँ के जिनसे हमें ज़िंदगी की हकीकत के बारे में मालूम हो स्टोरीज फ्राम दि एबेरियन नाइट्स नावल्स शॉर्ट स्टोरीज कुछ भी चीज़ें हैं तो इस कहानी के जो करदार हैं उसमें जो फर्स्ट करदार है वो है अहमद कमल सोलोमून एंड शबनम ये तीन चार बच्चे हैं जिनके नाम अहमद हैं कमल हैं सोलोमून एम ए शबनम हैं आर सिटिंग अराउंड दियर ग्रैंड मदर्स अराउंड दिस ग्रे मदर यानी कि वो घर के अंदर थे उनकी दादी थी और दादी के ये चारों तरफ जिसमें आहमद भी था कमल भी था सोलोम और शबनम ये सब बैठे हुए थे हैं एट टाइम टू लिसन टू ए स्टोरी बेट टाइम मीन्स हम कहते हैं सोने का वगैरह जब हम सोते हैं तो हम अपनी नानी से या दादी से या दादा से या घर के किसी बड़े से हमेशा कहानियाँ सुनते रहते हैं कोई ऐसी बातें जो उन्होंने अपने जमाने में देखी हों या सुनी हो वो फिर हमें बना बताते हैं कि हमने ये बात सुनी थी हमने ये बात देखी थी फिर वही बात हम अपने बच्चों को बताते हैं तो इसी तरह ये लाइफ ऐसे चलती रहती है दी ग्रैंड मदर होम दे कार नानी वो अपनी दादी जिसको वो नानी कहते थे हैज़ प्राम दिम डेट शी वुड टेल देम टू टूर स्टोरी कि उसने उनसे वादा किया था बच्चों से कि मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगी हैज़ प्रोमिस्ड देम उसने उनसे वो वादा किया था डेट शी वेल हेरा ट्रो स्टोरी की अगर मैं जब भी तुम्हें बताऊंगी एक अच्छी और सच्ची कहानी बताऊंगी है ना उसके बाद क्या हुआ नानी कहती है सुनो बच्चो, मैं तुम्हें आज एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रही हूं जो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी था हिज नेम इज मोहम्मद पीसा पानम जिनका नाम क्या था हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हम ही वॉज बॉर्न इन फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी वन ई ए डी यानि कि वो पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी में पैदा हुए मोर देन फोर्टीन्स हंड्रेड ईयर्स बैग यानि कि आज से चौदह हजार साल पहले यानी कि आज से फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स बैग यानि कि आज से चौदह हजार साल पहले इन ए रिस्पेक्टेबल फैमिली इन मक्का मक्का के अंदर एक बहुत बड़ी एक ख़ानदान था रिस्पेक्टेड फैमिली थी इज़्ज़तदार घराना था जिनमें वो पैदा हुए दोस्वियर दी टैम वेंदी एरब्स बर एय तिर टाटर एलायो ये वो वक़्त था जब अरब के लोग इतने जाहल हो चुके थे कि वो अपने बच्चियों को जिंदा ही दफन कर देते थे कर रहा कह रहा है दोस्वियर टाइम्स वन दरब्स बर एय तिर टाटर एलायो ये वो वक़्त था जब वो अपनी बच्चियों को जिंदा जला देते थे अहमद अहमद ने आगे से जवाब दिया किल डॉटर्स वो अपनी बच्चियों को क्यों मारते थे आखिर उस वक्त क्या ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से उनको अपनी बच्चियों को मारना पड़ता था नानी नानी ने जवाब दिया बच्चों को वो इसलिए मारते थे नो बॉडी वॉन्ट्स गर्ल्स टू बॉर्न टू देम कोई भी नहीं चाहता था कि उनके घर बच्ची पैदा हो कोई नहीं चाहता था बच्ची पैदा हो इसलिए उसको मार देते थे

पापा उसको अपने साथ ले जाते थे डिगे पिट एंड बरिहारे लायो एक खड्डा खोद के और उसको उसमें जिंदा ही गाड़ देते थे बल्कि उसको मारते भी नहीं थे उस खड्डे के अंदर जिंदा ही गाड़ के ऊपर से मिट्टी डाल देते थे ताकि वो खुद ही खत्म हो जाती थी